मध्य प्रदेश के अंदर अगर किसी भी प्रकार की चोरी होती है तो उसके आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। पिछले साल मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, ओपी ऑनलाइन सर्विसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार की चोरी होती है तो उसका आप ऑनलाइन एफआईआर किस प्रकार से दर्ज कराएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी थाने विजिट करते हैं और वहां परेशान होते हैं, जबकि आप चोरी की शिकायत कुछ सामान्य परिस्थितियों में आप घर बैठे कर सकते हैं। आपको कहीं जाना नहीं है, आप ऑनलाइन घर बैठे शिकायत करिए, पुलिस उस पर जांच करेगी और आपको जो स्टेटस है वो ऑनलाइन पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर ई एफ आई आर करने के लिए आप एमपी पुलिस की वेबसाइट में आ जाएंगे। ये मध्य प्रदेश के सभी सिटीजन के लिए बहुत ही इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है। यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें खुद कर सकते हैं बिना पुलिस स्टेशन विजिट किए। तो अभी आज हम सीखेंगे कि आप ऑनलाइन एफआईआर किस प्रकार से करेंगे, कैसे आप कंप्लेन दर्ज करेंगे। तो इसके लिए आप यहां पे देखिए, सिटीजन सर्विसेज के अंदर फर्स्ट ऑप्शन है कंप्लेंट लॉज व्यू, तो इस ऑप्शन पे हमको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एक छोटा सा मैसेज कि इस सर्विस को यूज करने के लिए आप मध्य प्रदेश के अंदर संबंधित थाने अथवा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को किसी भी घटना के संबंध में आवेदन कर सकते हैं, जिसका जांच होगा, रिपोर्ट होगा, विभिन्न माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। तो इसके लिए आप हाँ में क्लिक करेंगे, इसको आप पढ़ लीजिए। अब इस सर्विस को यूज करने के लिए आप इनके पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो अभी हम पहले से रजिस्टर्ड हैं, या आप अपने जीमेल से भी यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। तो रजिस्टर होने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो हम सीधे लॉगिन करेंगे, ओटीपी हमारे मोबाइल पे भेज दिया जाएगा। ओटीपी सबमिट करने के बाद हम सिटीजन पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी सर्विसेज हैं जो एज अ सिटीजन आप अवेल कर सकते हैं, चाहे ई एफ आई आर करना हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना हो, या किसी पुलिस के अधिकारी के खिलाफ या पुलिस ऑफिसर के खिलाफ आप शिकायत करना चाहते हैं, या किसी अन्य के खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं, खोई हुई संपत्ति है, किराएदार का रजिस्ट्रेशन है, व्यवसायिक सहायक जो आपके हैं या घरेलू सहायक हैं उनकी यहाँ पे फीडिंग है। तो ये बहुत सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे ऑनलाइन मिलती हैं, जिसका आप यूज कर सकते हैं। तो अभी हम ई एफ आई आर में क्लिक करेंगे। अब ई एफ आई आर में जैसे ही जाते हैं, एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, दूसरा एफ आई आर सर्च का, तो हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि आप ई एफ आई आर केवल चोरी के उन्हीं प्रकरणों में दर्ज कर सकते हैं जहाँ चोरी की गई संपत्ति में वाहन चोरी 15 लाख रुपए तक, अन्य चोरी जो है 1 लाख रुपए तक हो और आरोपी अज्ञात हो, एवं घटना जब हुई है उसमें किसी को चोट वगैरह नहीं लगी हो, इसी केस में आप यहाँ पे ऑनलाइन एफ आई आर कर सकते हैं, नहीं तो आपको विजिट करना होगा और थाने में जाके करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या मामला वाहन चोरी का है, तो हाँ नहीं में आपको जवाब दे देना है, 15 लाख से कम है या नहीं, तो आप हाँ करेंगे, उसकी कीमत कम है तभी आप कर पाएंगे, क्या यह मामला अन्य चोरी 1 लाख से कम का है, ये आपको डिसेबल हो गए जैसे हमने चोरी का मामला किया, घटना के दौरान चोट लगी है या नहीं, तो यहाँ पे आपको नहीं करना है, क्या आरोपी अज्ञात है, यहाँ पे आपको हाँ करना है, क्योंकि ये जब आप क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तभी आप कंप्लेन कर पाएंगे और जमा करें में क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर आपको क्या करना है कि अपना जिला सेलेक्ट करना है, जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं, तो आप अपना जिला यहाँ से सर्च कर लीजिए। अब जिला सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको उस जिले में जो पुलिस स्टेशन है वो सारे दिखाई देंगे, तो आप यहाँ से पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे डेट डालिए, जिस दिन घटना हुई है, तो आप कोई एक डेट डाल देंगे यहाँ पे,
पे, यहाँ पे समय डाल देंगे, और जब घटना हुई है तो कब से कब तक हुई है वो भी आप डालेंगे। तो दिनांक 1 को ही हुआ है। अब उसके बाद आपको अपना पता लिखना है, मकान संख्या यहाँ पे लिख देंगे, गली का नाम लिखेंगे, जिससे पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको इजिली आपका लोकेशन मिल जाए। उसके बाद कॉलोनी आप लिख देंगे, शहर का नाम लिख देंगे और पिन कोड लिख देंगे इस प्रकार से। अब जो स्टार लगे हुए हैं वो मैंडेटरी हैं, वो आपको जरूर फिल करने होंगे। बाकी जिनमें स्टार नहीं लगा है वो आप छोड़ सकते हैं, उस पे आपको दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको ये डालना है कि आपकी जो चोरी हुई है उसकी श्रेणी क्या है, आभूषण है, ऑटोमोबाइल है, दवा है, सिक्का, पैसा है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आप इस प्रकार से सेलेक्ट कर देंगे। फिर संपत्ति का प्रकार आ जाएगा कि आपका क्या चोरी हुआ है, कार, ट्रैक्टर, तो जो भी आपका चोरी होगा वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद विवरण, यहाँ पे उसकी आप डिटेल डाल देंगे कि किस कलर की है, अगर उस पे और कोई निशान है वो डाल देंगे। तो यानी आपको यहाँ पे अपनी गाड़ी के बारे में थोड़ा डिटेल डाल देना है, अगर कुछ उसका पहचान है। उसके बाद यहाँ पे आप गाड़ी का नंबर डालेंगे और यहाँ से सर्च कर लेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे हम गाड़ी नंबर डाल के सर्च करेंगे तो ये देखिए बाकी सारी चीज यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाती है, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, और यहाँ पे विवरण भी ऑटोमेटिक दर्ज हो रहा है, और मानित इसके जो मूल्य है वो आप डाल देंगे और यहाँ पे संपत्ति जोड़े में क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से आपका जो चोरी हुआ वाहन है वो इस प्रकार सेड हो जाएगा। अब देखिए अगर आपकी एक से ज्यादा सामान चोरी हुआ है तो उसको भी आप इसी प्रकार से ऐड कर सकते हैं। सपोज गाड़ी के साथ आपका पैसा भी चोरी गया है तो आपका भी यहाँ पे डिटेल डाल दीजिए और इस प्रकार से ऐड कर दीजिए, अभी हम आपको बताने के लिए यहाँ पे। अब उसके बाद विवरण में आपको डिटेल में लिखना है कि घटना कब हुई है, कहाँ हुई है, घटना के वक्त कौन कौन वहाँ पे था, आपके मन में अगर कोई शंका है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। यानी आपको डिटेल में और इस प्रकार से घटना को लिखना है बिना उलझाए हुए, कि आसानी से पुलिस अधिकारी को समझ में आ जाए और उसका वो सही तरीके से जांच कर पाए और आपके वाहन को ढूंढ पाए। अब घटना का विवरण डालने के बाद यहाँ पे आपको अपनी डिटेल डालना है, यानी जो शिकायत कर रहा है, कंप्लेन जो कर रहा है, तो उसका पहले फर्स्ट नेम आप डाल देंगे, यहाँ पे अगर आपका कोई मिडिल नेम है वो डाल देंगे और इधर आप सरनेम डाल देंगे। उसके बाद आप माता पिता में किसी एक का यहाँ पे डिटेल डालेंगे और नाम डाल देंगे। अब उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर आप अपना डालेंगे और ईमेल आईडी डालेंगे। ये सारी डिटेल आपको सही सही भर देना है। अब उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है कि आप कहाँ रहते हैं, यानी आपका यहाँ पे वर्तमान पता आपको डालना है, घटना वाला पता नहीं डालना है, यहाँ पे आपको अपना वर्तमान पता डालना है। उसके बाद यहाँ पे मकान संख्या, गली संख्या, कॉलोनी, शहर, अगर आप इस एड्रेस पे स्थायी रूप से निवास करते हैं तो यहाँ पे हाँ कर दीजिए, और अगर आप खुद ही पीड़ित हैं तो यहाँ पे टिक करिए, अगर आप किसी के लिए शिकायत कर रहे हैं तो इसको आप अनटिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको चेक हटाएंगे तो यहाँ पे आपको उनका नाम डालना पड़ेगा जिनके साथ ये घटना हुई है, यानी जिनके बिहाब पे आप शिकायत कर रहे हैं उनकी पूरी डिटेल यहाँ पे डालेंगे, और ये सब जब हो जाएगा तो यहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हैं और जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट में क्लिक करेंगे आपको इसके बाद अपने आधार नंबर को यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा, यानी आप OTP के माध्यम से इसका सिग्नेचर कर सकते हैं, ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी FIR दर्ज हो जाएगी और आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। पुलिस आपके कंप्लेन में एक्शन लेगी, सर्च करेगी, उसके बाद यहाँ पे आपको उसका स्टेटस दिखाई देने लगेगा। तो होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अब आप आसानी से मध्य प्रदेश के अंदर अगर आपके यहाँ या आपके पहचान में किसी के यहाँ चोरी होती है तो उसकी शिकायत बिना पुलिस स्टेशन गए आसानी से कर पाएंगे। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।